हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। तो आज हम आपको SBI की इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करना सिखाएंगे, किस तरह से उसको हम रजिस्टर करें। आइए चलते हैं, लॉगिन करते हैं। तो SBI इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करते हैं। ये लॉगिन किया, यहाँ लिखा है कंटिन्यू टू लॉगिन। अब ये पूछ रहा है ऊपर वाले ऑप्शन में नए न्यू यूजर के लिए, अब ओके कर दिया। नेक्स्ट करते ही एक फॉर्म खुलेगा, CIF नंबर मांगेगा जो कि आपके स्टेटमेंट और पासबुक पे मिल जाएगा, तो आप उससे देख के लिख सकते हैं। और ब्रांच कोड, कंट्री, ये सब आप अपना पासबुक पे मिल जाएगा। और रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आपके पासबुक और अकाउंट नंबर से लिंक है, तो ये फिल कर दिया है हमने। अब फिल करके हम आई एग्री करके सबमिट करते हैं। सबमिट करके आगे बढ़ते हैं। अब ये OTP आएगा, OTP मेंशन करेंगे यहाँ पे, हम OTP डालते हैं। तो OTP डाल दिया, कंटिन्यू कंफर्म करके, कंफर्म करने के बाद ये खुल गया। अगर आई हैव ATM, अगर ATM कार्ड है तो ATM कार्ड से, नहीं तो ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा तभी होगा। मेरे पास ATM कार्ड है तो सबमिट करते हैं हम। सबमिट किया, अभी लोड हो रहा है पेज। अभी इस पेज पे ये दिखा रहा है कि आपके इतने डेबिट कार्ड आपके इशू हो चुके हैं, और जो एक्टिव है वो ऊपर दिखा देगा एक्टिव, जो क्लोज है वो नीचे। तो ये मेरा ऊपर एक्टिव है, इसमें मैं क्लिक करके कंफर्म कर दूंगा। अब ये कार्ड की डिटेल मांगता है, तो आप इस पे कार्ड की डिटेल मेंशन कर दीजिए। कार्ड के ऊपर नाम होता है, पासबुक पे जो नाम है वही नाम यहाँ पे आना चाहिए बिल्कुल। एक्सपायरी डेट के बाद पिन जो आपने बनाया हुआ है उस पिन को डाल दीजिए यहाँ पे, और कैप्चा डाल दीजिए। कैप्चा डाल के प्रोसीड कर दीजिए। ये हो गया, अभी कह रहा सक्सेसफुल हो, डिटेल हो गई आपकी, योर डेबिट कार्ड वैलिडेशन ही सक्सेसफुल हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि हमारे को यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए अभी कुछ सेकंड में एक नया विंडो ओपन होगी, पेज ओपन होगा। हो गया, तो अब ये यूजर नेम पूछ रहा है, तो यूजर नेम आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। तो चलिए आज बनाते हैं हम। कह रहा है ऑलरेडी है, तो दूसरा बनाना पड़ेगा हमारे को। लॉगिन पासवर्ड एंड रिटर्न, मतलब दोनों, ये दोनों सेम होने चाहिए, यहाँ कुछ गड़बड़ है इसमें। दोबारा से बनाते हैं पासवर्ड को। सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते ही अब ये कह रहा है सक्सेसफुल रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग। तो ये सक्सेसफुल हो गया हमारा पूरा इंटरनेट बैंकिंग जो भी है, और इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप अपना लॉगिन आईडी बना सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।